अगला है एंड वाई विंड इज नेवर सीन। विंड का अर्थ होता है हवा, पवन जो बहता है, जिसे हम लोग सांस लेते हैं। हम लोग कहते हैं ना हर खाली स्थानों में हवा भरा होता है, तो यह हवा क्या हम देख सकते हैं? हमारे आसपास तो हवा है, लेकिन क्या दिखाई देता है? जब चीजें हिलती डुलती है तो हम कहते हैं यह हवा की वजह से हिल रहा है, लेकिन क्या उस हवा को हम लोग देख सकते हैं? किसी ने हवा को देखा है क्या? अगर देखा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। थर्ड है टाउट बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट। टीच से टाउट बना है, टीच का वर्ब वी टू फॉर्म टाउट है। टीच का मतलब होता है सीखना। तो किसने सिखाया द बर्ड्स? बर्ड्स का अर्थ हुआ चिड़िया, जो यहां चित्र में ऊपर में बनी हुई है। बिल्ड द नेस्ट, घोंसला बनाना। हम जानते हैं कि चिड़िया अपने बनाए हुए घोंसले में रहती है। यह घोंसला दूर दूर से वह तिनके को कलेक्ट करके जमा करके घोंसले का निर्माण करती है, और जब आप कभी उस घोंसले को देखेंगे तो काफी मजबूत होता है। चिड़ियों का जो आश्रय स्थल होता है बहुत ही मजबूत है, वो इतने स्किल्ड होकर उन्हें गुथने का काम करती है, जिसके लिए यह लगता है कि उन्हें कहीं इसकी ट्रेनिंग मिली होगी, कहीं से उन्होंने सीखा होगा। यही हमारा अगला प्रश्न है, हु टाउट द बर्ड टू बिल्ड नेस्ट। हम इन चीजों के वर्ड मीनिंग भी लिख देंगे आपको। और अगला लाइन, आज का अंतिम लाइन, एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक सारे सेंटेंस आपके प्रश्नवाचक वाक्य। सब में अपने आप में एक प्रश्न है। आखिरी प्रश्न है एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। पेड़ चलता फिरता नहीं है, एक जगह पर आराम करता है, तो किसने सिखाया पेड़ को आराम करने के लिए? ये आपके लिए चार महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपके आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं मन में उठते होंगे। इसका आंसर आसानी से मिलता नहीं है, इसलिए यह क्या है, आई वंडर, मेरे लिए आश्चर्य की चीज है। कुछ शब्दों के अंग्रेजी शब्दों के हम हिंदी मीनिंग जानेंगे। इनमें से अधिकांश के मीनिंग आप जानते भी होंगे, पर पूरा अभ्यास के लिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया हूँ। आई का अर्थ है मैं, वंडर का अर्थ है आश्चर्य, ग्रास का अर्थ है घास,
ग्रीन का अर्थ है हरा, वाई का अर्थ है क्यों, विंड का अर्थ है हवा, इसे पवन भी कहते हैं, नेवर का अर्थ हुआ कभी नहीं, सीन, हम लोग सी वर्ड का मतलब जानते हैं देखना, उसी से सीन बना है, इसका अर्थ हुआ देखा गया, टाउ हम लोग टीच मतलब जानते हैं पढ़ना पढ़ाना, सॉरी टीच मतलब पढ़ाना, टीच से टाउट बना है, टीच का भर फॉर्म है टाउट, पढ़ाया गया, और ब्यूल्ड बनाना, किसी चीज का निर्माण करना। इस कड़ी में आप अंतिम क्षणों में हम चलते हैं, अगर आप सभी बच्चों ने कुछ सीखा तो मैं आपको अब उनके अभ्यास के लिए एक गृह कार्य होमवर्क दे रहा हूँ। हमने चार पंक्तियाँ पढ़ी, आई वंडर द वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, हु टाउट बर्ड टू बिल्ड ए नेस्ट एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, ये चार पंक्तियां हैं। इस चार पंक्तियां में कुछ वर्ड नाउन होंगे, कुछ प्रोनाउन होंगे, कुछ वर्ब होंगे, कुछ एक्टिव एडजेक्टिव होंगे, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण। आपको इन शब्दों को वर्गीकृत करना है, अलग अलग वर्गों में बांटना है। अगर आई क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, इसी प्रकार वंडर क्या है, वाई क्या है, ग्रास क्या है, ग्रीन क्या है, और इस चार पंक्ति में आए हुए सभी शब्दों को आप समूहों में बांटेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। थैंक्स।